अब जा करके 1:30 बज रहा है। कितना बज रहा है अभी एग्जैक्टली? 2 बज गया और जा करके सवेरा दिख रहा है। द बालकनी व्यू इज़ अगेन बिल्डिंग टाइप्स। रोड में सिर्फ रोड में गाड़ियाँ चल रही हैं, बट बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं है। हाँ, ऊंची ऊंची नहीं है। और हम लोग बहुत सोए, बहुत हमको खुशी हो रहा है कि हम टोपी पहन के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन राहुल तो टोपी भी नहीं पहने और तो एकदम बैंकॉक मूड में ही। वो वाला बिल्डिंग देखो ना, टेढ़ा लग रहा है ना, देखो ना ये वाला बिल्डिंग तो टेढ़ा लग रहा है। हाँ शायद ये एम्स्टरडैम में सब कुछ बहुत ही मस्त लग रहा है। येलो बस जा रही है। वाह, येलो बस जा रही है, इट्स सो गुड। और हम लोग तो बच्चा सो रहा है, रूम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूम से बाहर जाने पे कुहासा है, ठंडा है। डे 1 गोइंग वेरी गुड। सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हम लोग थोड़ा चाय पत्ती ले आए थे और राहुल और हम दोनों मिलके बना रहे चाय। बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद हम लोग को चाय पीने के लिए मिलेगा और हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के पास ग्रोसरी नहीं है, एक भी नहीं है। इमरजेंसी में आए तो हम लोग को कुछ भी लाने के लिए जगह ही नहीं मिला। हमारे पास वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोगों के पास स्पेस नहीं था। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि खरीदने जाएंगे। ग्रोसरी स्टोर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। बहुत ही पास है, 1.5 किलोमीटर। हम लोग घूमते घूमते जाएंगे, देखेंगे और वहाँ से कुछ ज़रूरत का सामान खरीद के लाएंगे, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है यहाँ तो आप देख ही रहे, बहुत आराम से हम लोग खाना बना सकते हैं। सारा फैसिलिटी है। खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए हैं, आपको दिखाएंगे कैसा है, क्योंकि वो ऑर्डर करने के बाद हम लोग को लगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पर। हम तो राहुल को बोले कि थोड़ा सा पैसा बचाओ पैसा। राहुल बोला कि अब जल्दी जल्दी जा करके हम लोग लाएंगे। मेजॉरिटी हम लोगों का ये कि हम लोग तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चा जो है उसको हम लोग वो हैबिचुएटेड होता है कुछ खाने के लिए। जैसे उसको रोटी खाना है, चावल खा सकता है तो वो बहुत स्पाइसी नहीं खा सकता है, दाल तो यही सब है, चलो बनाएंगे इसलिए। तो लेट्स सी हम लोगों का day 1 हाउ इज़ इट। दिस बीइंग अ फैमिली वीलॉग, हमको पता है बहुत सारे लोग को रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग कैसे दिन अपना बिता रहे हैं। ये हमारा लिखा हुआ है 4 तंदूरी रोटी। बटर चिकन, इतना सारा खाना है इसलिए तो इतना सारा पैसा लगा है, मतलब तुम समझ जाओ। ये तो दाल है, दाल चिकन के साथ राइस है, ठीक है, पता नहीं था। चलो तंदूरी रोटी का शक्ल देखें पहले कैसा है, अगर इससे दूध रोटी बन सकता होगा तो। ये वीट गई, नहीं राहुल उसमें दही जैसा कुछ डाला हुआ, ठीक है। दाल चावल खाएगा, अभी भूख लगेगा तो खाएगा ही ना कुछ। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग आज फर्स्ट डे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कौन सा सुपरमार्केट है। पहले तो हम लोग लोकल सुपरमार्केट सब देखेंगे। रुपिन से हेलो एवरीबॉडी, हेलो हाउ आर यू। बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि हम लोग अभी खरीदने के लिए जा रहे हैं कुछ इंडियन सामान। चलिए चलते हैं, बाय बाय।
मैनी थैंक्स जो लोग फिर से आ गए हैं मेरे चैनल पे हमसे मिलने, राहुल, रश्मि, रुपिन से मिलने. वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एक्सप्लोर लाइफ टूर वंस अगेन. तो चलिए, जैसा कि हमने कहा, फटाफट चलते हैं बाहर, आसपास देखते हैं, कुछ ग्रोसरीज खरीद के लाते हैं और घर में खाना पकाते हैं. ये है हम लोगों का स्टे और ये है उसके आसपास का सीन. इट्स सो ब्यूटीफुल. वेट अ मिनट, क्या आपको लग रहा है रुपिन का कपड़ा थोड़ा चेंज हो गया है? क्या हुआ कि हम थोड़ी देर पहले नीचे आए और हमें अचानक से जो सरसराती हुई हवा लगी तो हम भाग के फिर से ऊपर गए और हमने 3-4 कपड़े और पहन लिए. राहुल और मैंने तो कपड़े अंदर में ही पहन लिए, रुपिन को ऊपर से पहना दिया और उसके बाद फिर से हम लोग बाहर चले हैं. तो चलिए चलते हैं. अब हम लोगों को यहाँ से सीधा सीधा जाना है. वैसे तो हमने गूगल मैप ऑन कर लिया है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि लोकल शॉप सब कहाँ हैं. तो हम लोग बस चलते जा रहे हैं. एक बार पता लगाने के बाद हम लोगों को आइडिया होगा कि हम लोगों को कहाँ से सामान खरीदना है. रुपिन बाहर निकलते ही खेला करने लगता है. हम वो रोड क्रॉस करके बस आए हैं और हम लोग यहाँ आए हैं. ये एक बड़ा सा फील्ड जैसा है. मतलब नई जगह पर आते ही यू फील लाइक अ एक्सप्लोरर, व्हिच डेफिनेटली सूट्स टू द नेम ऑफ माय चैनल. आई एम रियली हैप्पी. व्हाट्स इट रिटन? कॉलिन बैरेट. और मेरा तो भाई चश्मा जो है इसमें ही, चश्मा पहनने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कत है भाई. ये देखो, कुहासा इन द चश्मा. बेकरीज, बोसन, लॉमर फ्लेन. कि हम लोग को तो ये सुपरमार्केट में कुछ ना कुछ सामान मिलेगा. हाँ तो देख लेते हैं ना क्या मिल रहा है, उसके बाद इंडियन वाला मिलेगा. हाँ चलो. चल बेटा. तो बताइए, स्ट्रैटेजी सही है ना? पहले लोकल शॉप सारे देख लेते हैं, कुछ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, कुछ नहीं मिलता है तब जाकर के हम इंडियन ग्रोसरी शॉप टारगेट करेंगे. तो बहुत कुछ यहाँ पे सिमिलर मिल रहा है, इंडिया जैसा मसाला भी है. आई एम रियली हैप्पी टू सी कि MDA चिकन मसाला है. बहुत अच्छा लग रहा है. आलू भाजी, शान, सिंधी, इट्स काइंड ऑफ बहुत अच्छा. ओह, हॉट मद्रास. राहुल, पूरा इंडियन करी खाइए. ये पूरा इंडियन. लेट्स गो दिस वे. ये इंडियन स्टॉक है. कहाँ तुमको दिखा दी? MDA ये सब क्या है? इधर चलो, इस लाइन में तो तुमको बिस्किट भी मिलता है. देखो, तो हम लोगों को बहुत खुशी में मिल गया है इंडियन सामान. आप देख सकते हैं ये है. Yeah. दलिया. और क्या चाहिए? बासमती चावल मिला. बड़ा मज़ा आया. क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे यार. हैं तो यार, क्या मज़ा आया. वेरी वेरी नाइस प्लेस. 11:09. वेरी वेरी नाइस. वी हैव बीन रियली लकी टू कम टू दिस प्लेस. हाँ, बस ये है कि अभी हम लोगों को दाम कंपेयर करने का नहीं है तो हम लोगों को कुछ महंगा पड़ सकता है. हाँ दो, लेकिन इतना तो श्योर है कि हम लोगों को मिल गया सब कुछ, राइट? तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है. क्रीम पाउडर, बहुत 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 बहुत. हम देख के आ रहे इधर. ओ, चार लिया था हम लोग से. ठीक है, नहीं वैसे ये तो ठीक है. इस लाइन में जाना था हमको, ये वाले लाइन में. तो छोटे छोटे पैकेट भी है चावल के. राहुल, ये लो भरा हुआ दाल सब कुछ. ये लो तुम्हारा चाय भर. तो हमारे प्यारे दोस्तों भारतवासियों, कभी भी अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रांसफ़र बेसिस पे, तो हमको नहीं लगते कि आपको कोई भी जो ग्रोसरी स्टफ़ है वो कभी भी कैरी करना चाहिए, क्योंकि हर कुछ हर जगह अवेलेबल है. राहुल, हियर मैगी मसाला भी है.
जिस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ये करते हैं कि हम लोग को पता नहीं चाय पत्ती मिलेगा कि नहीं, चाय पत्ती भी है यहाँ भर भर के, तेल होगा ज़रूर होगा, तेल भी हर कुछ है। ठीक है कोई बात नहीं है, राइस ब्रान ऑयल होगा, सब लोग खाते हैं, ग्रीन टी है ये देखो अहमदाबाद, अहमद टी सॉरी अहमद टी, कार्डमम टी, ये देखिए क्या किसको चाहिए भाई, यहाँ पे गरम मसाला भरा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। वी हैव बीन रियली हैप्पी टू कम टू दिस प्लेस, कम लेट्स गो, लेट्स डू सम शॉपिंग नाउ। जब तक अपना कुछ सामान खरीद लें, आपको कहना चाहते हैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद जिन लोगों ने हमारे कमेंट्स में लिख करके हमें बताया कि उनको मेरा वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग इट लॉन्ग वीडियोस। वी हैव ऑलिव ऑयल, हाँ सब है, इट्स ओके। अरे बेटा जो सरसों तेल होता है ना वो इंडिया का स्पेशलिटी है, तो हर जगह थोड़ी मिलेगा। राहुल आर यू हैप्पी? बहुत अच्छा। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ आटा, देखो आटा नहीं मिला राहुल, लेट्स फाइंड सम आटा, व्हीट फ्लोर, वी विल फाइंड आउट, कम। अभी तो एक ही शॉप में आए हैं इसीलिए गूगल ट्रांसलेट से चेक कर ले रहे हैं कि आटा है या मैदा है, क्योंकि आज तो रोटी बनानी ही है। उसके बाद एक बार लोकेलिटी सैर करेंगे और देखेंगे कि और भी कोई दुकान मिलता है कि नहीं। अब हम लोग पहुंचे हैं दूध खरीदने के लिए। हाँ, व्हाट इज देयर बेटा, व्हाट इज देयर? वाइट दूध, वी विल टेक इट। राहुल ले लो, कोई भी ले लो अभी के लिए। इंडिया के हिसाब से मोरमेगा स्टोर, बैंकॉक के हिसाब से मैक्रो, और यहाँ पे आइए तो ऑबटाइन और यहाँ के आसपास के बहुत सारे शॉप्स हमने देखा। हाँ तो कहाँ खाया है? अच्छे से बेटा बाबा का हाथ पकड़ लो, होल्ड हैंड गो बाबा, होल्ड हैंड बाबा, होल्ड हैंड, वी लुक लाइक एस्किमोज। तो हमारे पास, राहुल के पास है भी सामान, हमारे पास भी सामान है, हमने खरीद लिया है अच्छे से। व्हाट आई एग्जैक्टली फिगर्ड आउट इज, देखो इधर से लाओ नहीं तो डस्टबिन को भी पकड़ेगा। हाँ, दैट पीपल आर हेल्पफुल हियर, हमको ऐसा लगा कि लोगों ने मदद की, हम लोगों को सारा कुछ मिल गया था, आटा नहीं मिल रहा था तो आटा के लिए हमने पूछा, तो लोगों ने बताया, एंड इट्स रियली गुड, क्योंकि अनजान जगह पे आकर के अगर आपको कोई थोड़ा भी कुछ हिंट देता तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पे सुपरमार्ट आए, राहुल थोड़ा सा और इधर इधर चलो ना, डस्टबिन के से इधर, हाँ बीच बीच से चलो। सुपरमार्ट में हम लोग एक ऐसे आदमी से मिले जिन्होंने हमें बताया कि उनको बैंकॉक बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका कहना है, देखिए बैंकॉक के बारे में कैसा लोगों का विचार है कि जो फैमिली मैन है उसको बैंकॉक आना नहीं चाहिए। मतलब अब बैचलर्स जो है वो बैंकॉक जा सकते हैं। काइंड ऑफ रात हो गई है, अच्छा लग रहा है, बहुत लोग चल रहे हैं, पीपल आर वॉकिंग द हैप। सो बगल में ही KFC है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। वी जस्ट क्रॉस द रोड, दैट्स इट। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हम लोग जहाँ से आए थे वो एक फैशन का, हाँ फीड जो लिखा है ना, फीड, उसके और बाद मेरे तो बहुत, अरे यार कोई मदद कर दो, राहुल एक मिनट का मौका लेके मेरे पर टोपी चढ़ा दो ना यार, नहीं नहीं हम पकड़े, हाँ फैशन वाला जगह है ना, वहाँ से रोड क्रॉस किए थे हम लोग, बच्चा भी हम पकड़े हुए हैं, सामान भी हम पकड़े हुए हैं, राहुल पकड़ा हुआ निकल रहा है। अरे रोड यहाँ,
बच्चे में खड़ा हो गया, किसी भी दिन तो रोड तो क्रॉस करना है। चल क्रॉस कर, नहीं समझ आ रहा है, हम बता दें। चल तो माई डियर फोक्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि वेन यू शिफ्ट इट्स अ प्रॉब्लम, वेन यू मूव टू अ न्यू प्लेस इट्स अ प्रॉब्लम, वेन यू ट्रैवल टू न्यू रोड्स इट्स अ प्रॉब्लम, वेन यू फेस ट्रैफिक ऑफ न्यू कंट्रीज। गूगल मैप्स ने थोड़ा कंफ्यूज किया, लेकिन क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे तो हमको पूरा रास्ता पता था और हम वापस आ गए हैं अपने स्टे प्लेस पे। थोड़ी देर बाहर बैठे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का नज़ारा, इतनी ठंड में भी लोग बाहर बैठे एंजॉय कर रहे। बताओ, यू लाइक चिप्स? यू लाइक इट रुपिन? यू लाइक चिप्स? ईट इट। ओके, शो मी हाउ यू ईट इट, शो मी। चिप्स, ईट इट। या आई कैन सी दैट, कैन यू ईट इट? ईट इट। How does the chip sound, beta? Eat. Not that. So yummy. Rupin. हम लोग घर आ गए हैं वापस और हम लोग सामान सब जगह एडजस्ट कर लिए। राहुल पूरा सबका देख देख करके चेक किया कि किस चीज़ का क्या नाम है और उसका कितना दाम है। रुपिन को भी सेटल कर दिए हम लोग, वो थोड़ा सा चिप्स खाया और थोड़ा सा दूध पी लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे। मतलब इस तरह का टेम्परेचर क्लाइमेट ऐसा है कि आपको बाहर निकलने से एकदम तेज़ हवा चल रही है, ठंडी लग रही है, तो जब सुपरमार्केट में गए तो पसीना आने लगा, तो पसीने से क्या हुआ कि पूरा एकदम टोपी वगैरह सब भीग गया है। तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग बैंकॉक से जितना भी वार्म क्लोथ्स लेकर के आए हैं, फेयर है ना, बहुत अच्छा काम किया हम लोग लेकर के आए, कि तुरंत से हम लोगों को कोई चीज़ शॉपिंग करने के लिए भी नहीं मिलेगा। लेकिन समय समय के हिसाब से और भी बड़ा, जैसे ऊपर से लेकर के पैर तक का, नीचे तक का कपड़ा सब चाहिए, और वो भी कैसा, वो हैवी नहीं होना चाहिए, एकदम लाइट, स्पेशली बच्चे के लिए। तो मतलब आप एकदम ऊपर से नीचे तक पहनाए हुए उसको एक कपड़ा, अंदर में चाहे जितना भी टूस के पहना दिए, लेकिन ऐसा है, और वो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए और बहुत वार्म। तो इससे क्या होगा, कम कपड़ों में भी आप बाहर जा सकते हैं। विंडी है, बेसिकली यहाँ पे विंडी है सिचुएशन। तो फिर इट वाज अ सॉर्टेड फर्स्ट डे हियर इन एम्स्टरडैम। आप लोगों को बहुत सारा अपडेट बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हम नया देखेंगे यहाँ पे आप सबों को बताएंगे। ये भी ज़रूर बताएंगे कि अगर कोई चीज़ है ऐसा जो हम लेकर के आए हैं और वो बेकार हो गया, तो आप कभी यहाँ आ रहे तो ना लेकर के आएँ। अगर हम कहीं ट्रैवल करेंगे, वैसे तो हम चाहते हैं कि अभी ट्रैवल ना करें, बहुत सिचुएशन ख़राब है, हर जगह कोरोना फैला हुआ है, तो जैसे ही हम ट्रैवल करेंगे आपको बताएंगे। और बस दुनिया गोल है, आप हमारा चैनल देखते रहिए, कहीं ना कहीं हम ज़रूर मिल जाएंगे। इसी बात के साथ मिलते हैं फिर से, टाटा बाय बाय।